इट इज समहाउ, बट जब आप लोगों का इतना सारा प्यार मिलता है एंड देन व्हेन एवरीबॉडी कम्स अप टू यू एंड सेज के यार काम अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं एंड यू गाइज लुक ग्रेट, यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आपकी सारी थकन खत्म हो जाती है. वेल एवरी मैसेज द काइंड ऑफ लव वी आर गेटिंग फॉर सोनू चंदा इज अमेजिंग. आई मीन आई हैव डन सो मच वर्क इन माय करियर, म्यूजिक वाइज, एक्टिंग वाइज नॉट, बट इन यू नो द स्टार्ट ऑफ माय एक्टिंग करियर आई गॉट सोनू चंदा आफ्टर उडारी. सो इट्स ओवरवेलमिंग व्हाट पीपल हाउ दे relating themselves to these characters, this family, after every episode, how they send messages, it's unbelievable. Nadia Afghan, kyunki waise bhi unka character bhi aur unki lines bhi itni funny hai and she has a great sense of humor, and it's Ehsan Talish, our director. She's been with me for 23 years, Catherine, and Kathy is like Punjabi speaking, she comes up with the funniest words, so sometimes I pick up her language and I pick up her words and I try to put them where कैथी का, कैथी का जैसे कैथरीन कहती है मेरा आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं था, लाइक विच वॉज विच दैट इज कैथी के, लाइक आई वॉज अवे फॉर अ वाइल, शी वॉज अवे फॉर अ वाइल, शी वॉज ऑफ ऑन हॉलीडेज एंड शी केम बैक, शी सेड बाजी तुहाडा गंद पाया तुसीं घर च, मेरा तुहाडे कोलों एक्सपेक्ट नहीं सी, सो यू सी दैट इज कैथरीन्स लाइन, सो आई ट्राई टू यूज़ इट, शी इज़ अ वेरी फनी कैरेक्टर. Arsal is my friend in reality. So is Jia, so is Jia. They're both very close to me. चल के तुझे मैं ले के चलूं किसी ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले. मैं जिया नू लेके जावांगी, मेरी नू है किंतु मैनू जैद दी पुड़ी लगती है. Hey, that's really sweet. मैं सीन करते हुए भी डायरेक्टर साहब को कह रहा होता हूँ ये बहुत बदतमीज़ है, बट आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग इट बिकॉज आई वाज फीलिंग इट एंड यू गाइस आर द फर्स्ट वन आई एम गिविंग द इंटरव्यू आफ्टर दैट. आई थिंक इट्स द इवॉल्व, दे आर गेटिंग इवॉल्व्ड एज यू नो मैच्योर पीपल. बहुत कोई बदतमीज़ यंग से कजन्स थे जिनको प्यार हो गया, जिनकी शादी हो गई, नाउ दे आर लर्निंग टू को एग्जिस्ट विच दे नेवर डिड. जब उनकी लड़ाई होती थी एक दूसरे से नाराज़ होकर अपने अपने कमरों में घुस जाते थे, अब ऐसी सिचुएशन नहीं है. सो आई थिंक दिस सीजन इज़ अबाउट हाउ दे इवॉल्व एज ह्यूमन बींग्स, लर्निंग टू को एग्जिस्ट विद ईच अदर और प्रॉब्ली नॉट. सो यू गाइज विल सी इन द सीजन वट हैपन्स विद दैम, बट आई थिंक या प्रॉब्ली द पेस वट पीपल एक्सपेक्टेड के अरसल और जिया की लाइफ में पता नहीं क्या क्या, वो बूढ़े भी हो जाएंगे इस सीजन में, ऐसा कुछ नहीं है. It's just a small span of time that they just get married and they're learning to live together. ये तो आप लोगों को पहले नहीं पता था because it was the build-up of the character Ajia Nazakat Ali का कि वो कैसी है क्या है. फिर ultimately you know जब रिश्ते बदलते हैं तो इंसान के reactions और उसका behavior भी थोड़ा सा change होता है. बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी क्योंकि बहुत कम पैसे. Like I don't want to do it. But then Ehsan, our director, he's a very good friend also. बहुत पहले से मैं जानती हूँ एसन के साथ, जब मैंने नया नया काम शुरू किया था तो क्या था, देन एसन सेड दैट यू नो इट्स अ वेरी नाइस, इट्स अ क्रेजी प्ले एंड डू इट ऑन ऑल द कैरेक्टर्स आर रियली फनी, सो समटाइम्स वन शुड डू वर्क फॉर, सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई थॉट ओके इट्स वर्थ इट, चलो कर लेते हैं. आई लव द स्क्रिप्ट, आई थिंक साहिमा अकरम चौधरी हैज़ डन फैबुलस जॉब, लाइक उसने बहुत अच्छा लिखा है. आई लव साहिमा, साहिमा से अक्सर मेरी बात भी होती रहती है जब मैं कुछ कर भी रही होती हूँ, मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी बिकॉज वो बहुत ठेठ पंजाबी लिखती हैं, या कोई मुहावरे होते हैं तो मैं सायमा को कॉल करती हूँ, एंड एसन ऑल्सो नोज पंजाबी, तो इट्स लाइक अ टीम एफर्ट. फरहान छोटा ही इज़ वेरी गुड, वो भी लॉरी लड़का है तो सब सही हो जाता है. सो इट्स फन, आई लव इट.
मुझे ज़्यादातर तो नहीं पढ़ती, लेकिन कभी कभी जो मिस्टेक्स हो जाती हैं तो एसएल अंकल से ही पढ़ती है कभी कभी। ज़्यादातर फ़नी सीन्स होते हैं और लंबे लंबे जो सीन्स होते हैं उनमें ही मज़ा आता है ज़्यादातर। देर तो नहीं लगती, लेकिन बस दो बार मैं देखता हूँ और दो बार पढ़ लेता हूँ। मेरा फेवरेट डायलॉग सीज़न 1 का तो कोई नहीं, सीज़न 2 का है, वो ये है कि बंदा खोता हो जाए पर किसी घर में छोटा ना हो। इट्स अमेजिंग, मतलब सारी जो, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार जब काम किया था हम लोग इतने टफ शेड्यूल पर काम कर रहे थे, सो वी वर ऑल अ फैमिली, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा घंटे दिन में शूट कर रहे थे, वी आर शूटिंग फॉर संडेज एज वेल, सो वी वर लाइक अ फैमिली, लाइक डीजे वॉज लाइक माई ब्रदर, मतलब सच्ची वाला भाई बन गया था मेरा, एंड आई हैव अ ग्रेट केमिस्ट्री विद एवरी वन ऑन सेट, तो बड़ा मज़ा आता है। नो नॉट एट ऑल, हमने तो सीज़न 2 सोचा भी नहीं था, सीज़न 1 के एंड में भी आई वॉज वेरी रिलक्टेंट टू डू सीज़न 2, but then the fans, they flooded our inboxes everywhere and then we're here because of them only. nahi ye nahi mujhe pata tha, but I don't know, koi miracle hi hua hai Sonu Chanda, just like it's just taken off, like per first season mein, and then people just fell in love with it, I guess after a very long time koi light hearted cheez aayi, because har waqt to saas bahu qatl aur ye aur rona dhona, so people liked it, and the best thing about Sonu Chanda was the whole family could watch it, so a lot of messages that I get is wo ye hai ki ji hamare husbands kabhi hamare saath baith ke drama nahi dekhte the, ab wo bhi dekhte hain, so that's a great thing. I switch off my phone and I take a gap, acha sa sukoon se ki main apne mind ko dobara fresh kar lu, and I sit with my family, I have good food, I watch a movie, nowadays I'm watching House of Cards, so I have an ultimate thing. ऐ तो मैं नहीं दस सकता, ये तो आपको देखना पड़ेगा इस सीज़न। अरसल की गट फीलिंग तो ये कहती है कि वो एक सीधी लकीर पर चलती हुई आएगी, इतना कमज़ोर रिश्ता नहीं है उनका। इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, और जब ड्रामा ख़त्म हो जाए देन आई एम गोना आस्क यू कि कैसा हुआ। We sometimes improvise, like Saima writes a lot of funny lines, so especially like she loves my character, she says ki aamad hoti hai mujhe aapke character wali, but aur wo Punjabi wala bahut mazey ka likhti hai, but especially jab main aur Arsal kar rahe hote hain, me and Farhana doing, sometimes things come to our mind ke ye keh lete hain ye yun kar lete hain, jaise pichle season mein humne shrink aur shrink kiya tha, so we have like continued that, wo is dafa nahi tha, but we added a couple of things ki acha wo I'll say this and then he'll correct me. I never expect anything. मैं कभी भी जब भी कोई रोल प्ले करता हूँ मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता, लेकिन आई इन्जॉय द प्रोसेस, मुझे प्रोसेस अच्छा लगता है, और जब हम सोनू चंदा का पहला सीज़न कर रहे थे तो मैंने एसन से कहा यार मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना हिट हो जाएगा, लेकिन अल्लाह इज़ काइंड एंड जनरस। आई लव यू ऑल, और मैं जितना आप लोगों को अपना प्यार दिखा सकूँ और आप लोगों को थैंक यू बोल सकूँ मुझे लगता है वो बहुत कम है, बिकॉज ऑल ऑफ़ यू हैव लव्ड मी सो मच, ऑल ऑफ़ यू हैव लव्ड सोनू चंदा सो मच, अजिया सो मच, अरसल सो मच, ऑल ऑफ़ अस, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, दिस अनकंडीशनल लव, आई कांट गिव यू एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ दिस, सिवाय बहुत सारी थैंक यू के और बहुत सारे प्यार के, एंड आई जस्ट लव यू ऑल। इंशाल्लाह वी हैव टू सी, बट नो कॉमेंट्स। नहीं सुनो चंदा 3 नहीं आएगा, राइटर से मेरी बात हुई थी एंड शी सेड नहीं। सुनो नो, शी इज राइटिंग अनदर सीरियल फॉर नेक्स्ट रमजान व्हिच इज गोइंग टू बी डिफरेंट, सो बट एक चीज को अगर अच्छे तरीके से हो रहा है तो उसको कर देना चाहिए, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। चले जाओगे जब मुझे छोड़कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी, हर एक लम्हे में तुम्हें बांध लूँगा, न किस्सा करूँगा न बातें बनेगी, सुनो चंदा।